हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कारवा टैक्सी के बारे में बताऊंगा, जो यहाँ की गवर्नमेंट की टैक्सी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा है, वो कतर आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए खास करके वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी आने वाले हैं सब के लिए, और बिल्कुल क्लियर वीडियो होगी। तो मैं यहाँ पर किसी को देखता हूँ जो अपने इंडियन हो और जिससे मैं बात करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टैक्सी खड़ी हुई है, ये पूरे भाई लोग टैक्सी के हैं, नंबर लगाए हुए हैं। तो देखते हैं, अपना इंडिया के मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं। बाकी जो सब बाहर घंटी के, एक भाई है बैठे हुए। हेलो, हेलो सर, पंजाब इंडिया? हाँ जी सर। तो ये भाई इंडिया के हैं, पंजाब के। तो अगर इंडिया वीडियो बनवाएंगे तो इनसे वीडियो बना, आप तो 2-5-10 मिनट लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या अंदर आ सकते हैं? हाँ जी सर, मुश्किल नहीं है। चलिए, तो इन्होंने कहा अंदर आ जाइए और अंदर आके बात कर लेते हैं। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो रहेगी ये। हेलो भाई। हाँ जी सर, हाउ आर यू? गुड, आई एम फाइन, एंड यू? आई एम फाइन। तो भाई, आप इंडिया किधर से हैं? मैं इंडिया पंजाब से हूँ सर। समर व्लॉग चैनल है यूट्यूब का, तो मुझे भी बहुत क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा सर, मैंने उबर के बारे में वीडियो बनाया, तालिबान के बारे में बनाया, तो लोग कह रहे थे कारवा जो वहाँ पे टैक्सी है, जो गवर्नमेंट की है, जो अटैच है, उसका क्या सिस्टम है, और लोग आना चाहते हैं, तो मतलब वो जो आना चाहते हैं आना चाहिए, और कैसे क्या सिस्टम है? क्योंकि एक यूज़र बोल रहे हैं कि यहाँ पर सैलरी का भी है, मतलब 1500-1600 सैलरी है, लेकिन एजेंट ने बताया है कि वहाँ कमीशन पर भी काम आपको मिलेगा, आप जाइए 4-5 हज़ार महीना आप बचेगा। तो बस आपके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरमनिंदर सिंह है जी। हरमिंदर सिंह? हाँ जी सर, फ्रॉम पंजाब। तो मैं इंडिया से, मैं भी हूँ। और हाँ जी, हाँ जी, सर। चलिए, पंजाब के एक तो मिल गए यहाँ पे, बाकी सब अलग कंट्री के थे मुझे लगे, तो मैंने सोचा इन्हीं से बात करते हैं। तो भाई ये बताइए कि इसका क्या सिस्टम होता है, आपको कितना टाइम हो गया पहले यहाँ शुरू करते हैं? आपकी जर्नी? मुझे सर 3 साल हो जाएंगे, 3 साल 14 दिन ऊपर हो गया आज। 3 साल 14 दिन? हाँ जी, ये 20 जुलाई को मुझे 3 साल कंप्लीट हुए थे। तो आप इंडिया कब गए थे? मैं अभी गए को बार आप इंडिया? नहीं, मैं दिसंबर को वापस आया हूँ। इस क्या मैंने छुट्टी दिसंबर पे? मैं 3 मंथ। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए, जब आप पहली बार आए थे तो किस तरह से आए थे? अगर कोई आना चाहता है तो कैसे आएगा? बाकी और आपने बारे में पहले बताइए कि आप किस तरह से आए। तो सर, कहने का मतलब ये है कि उधर से कोई एजेंट है जी, उनको वैसे जैसे इधर से रिट्यूरमेंट जाती है जब कुछ भी है जी, रिक्वायरमेंट। तो, हाँ, रिक्वायरमेंट। तो उनको फिर आदमी चाहिए, टैक्सी ड्राइवर या बस ड्राइवर जो भी है जी। तो वो बोलते हैं, फिर हम उधर इंटरव्यू दिया था, हमारे पास इंडियन लाइसेंस था, तो इंटरव्यू दिया वगैरह, जो थोड़ा बेसिक नॉलेज वगैरह उन्होंने पूछा, गाड़ी चलाते हैं या कैसे है जी। तो इंटरव्यू लिया, गाड़ी चला के देखा उन्होंने जी, तो पास हो गए सर। थोड़ा हमारा नाम वगैरह, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पूछा। अच्छा, जैसे नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली। वेयर आर यू गोइंग, हाउ मच, नॉर्मल टॉकिंग जो एक ड्राइवर और कस्टमर की होती है। हाँ जी, तो वही बताया, उधर से इंटरव्यू क्लियर हुआ, इधर आके हो गया, फिर वीजा वगैरह आया, 1-2 मंथ लग गए वीजा। चलिए, मैं अभी वीजे से पहले मैं पूछता हूँ, जब इंटरव्यू आपने दिया तो एजेंट ने कुछ पैसे बताए और कैसे क्या हुआ, मतलब ये बताइए कितने पैसे लगे वीजे के आपको? हाँ, उस टाइम तो सर लगे थे, कहने का मतलब ये है कि 1 लाख कुछ ऐसा, जैसे होते ना, जैसे आप सीधा डायरेक्ट एजेंट के पास जाएंगे, गांव उसके आगे कोई और बंदे होंगे, उसको बंदे देते हैं जैसे। हाँ, ऐसा था मेरा, तो इसीलिए मेरा ऐसा लगा 1 लाख जी। तो बाकी सब डाल के शॉपिंग वगैरह ये हो जाता है 1,20,000 कुछ, 1,25,000। हाँ जी, 20-25 लाख का आपका खर्चा आया इंडिया के 3 साल पहले। हाँ जी सर। तो सैलरी और इसके बारे में क्या बताया था एजेंट ने आपको? सैलरी के बारे में उन्होंने बताया था कि उधर जाके आपको सैलरी अच्छा मिलेगा या कैसे, मगर उस टाइम तो बताया था, मगर थोड़ा टाइम स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है सर, वो तो हर कोई करता है भाई। अभी उठाना पड़ेगा।
तो ऐसा था कि उस टाइम हो गया था जी, किया था, मगर सब कुछ आए थे, ये दिया उनको एजेंट को पैसा वगैरह, आके इधर आके हो गया। तो फिर इधर आके स्ट्रगल करा, उस टाइम तो 20,000 कुछ ऐसा था सैलरी, 25-30,000 इंडिया का बच रहा था। हाँ जी सर। यहाँ खाना पीना इनकी तरफ से होता नहीं, है नहीं, वो भी हमारी तरफ से। रूम इनकी तरह से, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ। अच्छा, लाइसेंस? हाँ लाइसेंस का इन्होंने दिया, कोई भी पैसा कटिंग नहीं किया ऐसा। कई महीने? और जब आप आए थे, जब से सैलरी चालू हो गई थी कि जब नहीं मिली? हाँ जी, जिस दिन से आए उस दिन से, आपको कंपनी आने से पहले ही उधर एयरपोर्ट पे 400-500 रियाल देती है। अच्छा, अभी का क्या सिस्टम है जो लोग सैलरी पे आ रहे हैं, जैसे क्या है इनका? सर सिस्टम है कि आप सैलरी पे आ रहे हैं उधर से सैलरी पे ही आएंगे, इधर आके आपको, क्योंकि नए ड्राइवर है वो ज्यादा बेस की ड्यूटी ही पकड़ रही है, उनको फिक्स ज्यादा रोड वगैरह इधर पता नहीं है ना, इसी की वजह से उनको ज्यादा बेस की ड्यूटी दे रहे हैं जी। हाँ जी। तो कितनी अभी मेरे उधर ने बताया 1500 कुछ सैलरी है भाई, वो कह रहे हैं 1500-1600 खाने का मिलेगा आपको। हाँ जी ऐसा ही है, और लेकिन मेरे में डाल के इतना मिलता। लेकिन मेरे एजेंट ने बताया कि वहाँ जब जाओगे तुम्हारी सैलरी अच्छी, मतलब 4-5,000 होगा जब आपको इधर स्ट्रगल करने के बाद ही इतना होता है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब यहाँ आना चाहिए, इन्फो कोई मैसेज देना चाहते जो नए लोग आ रहे हैं? हाँ नए लोग आ रहे हैं जो फ्रेशर है इंडिया से, तो बेटर है सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि इंडिया में तो इतना बचा नहीं पाएंगे ना। नहीं इतना नहीं बचाया जाएंगे, कहने का मतलब इधर आपको कम से कम 20-40 ऐसा तो बचेगा ही, 30,000 तो बचेगा, इधर आपका 10,000 भी खर्चा है तो बचेगा 30,000। अच्छा भाई, इंडिया में 30,000 कोई नहीं देगा आपको। भाई की बुकिंग आ गई तो मैसेज कर दो, यहाँ पे खड़े हुए वहीं आ जाए कस्टमर, जब तुम बात भी करते रहेंगे। 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है। हाँ जी। तो कॉल करेगा, जाना पड़ेगा जी। ये भाई की बुकिंग आई है 4 किलोमीटर से, ये देखिए, तो इसीलिए थोड़ा ये देखिए ऐसा इनको पूरा एक मीटर लगा रहता है तो उसमें, और ये लोकेशन मिल जाती है, ये देखिए पूरी लोकेशन है। और ये पीछे भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है क्या इसमें जो? नहीं इसमें कुछ नहीं है मैप। अच्छा। हाँ तो ये देखिए आगे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, मीटर होता। चलिए एक दो मिनट और दे दीजिए बस, तो बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं एक मिनट, ये भी बहुत इन्फॉर्मेशन अब लास्ट में। तो ये बताइए अभी आपको 3 साल हो गए, अभी आप महीने में कितना बचा लेते हैं? कम से कम 3,000-3,200 ऐसा हो जाता है जी। 3,000 इंडिया का खा पी के। हाँ। ड्यूटी कितने घंटे करते हैं आप? ड्यूटी तो इधर आके करना ही पड़ेगा जी, 12-13 घंटे ऐसा होता है जी। तो इसमें पेट्रोल मतलब किस तरह थे आपको ये कमीशन पे लिया है कि उस पे लिया है सैलरी पे आपने अभी? ये मैंने तो अभी कमीशन पे लिया हुआ है गाड़ी अपना। कमीशन क्या, कमीशन कैसे होता है एक बार इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो अच्छा है, भाई को देर हो रही है लेकिन थोड़ा। कहने का मतलब ये है आप मंथली उनको 10,000 रियाल देते हैं जी, तो 6,000 तो सीधा उनका हो जाता है ना जी, बाकी 4,000 आपका बचता है, उसमें से 3,000 का पेट्रोल है, सॉरी सच 1,000 का पेट्रोल है और 3,000 हमारा जैसे बच जाता है ऐसा होता है। अच्छा ये पेट्रोल जो होता है आप अपने पास से डलाते हैं? नहीं ये कंपनी से तरफ से ही होता है जी। अच्छा यानी वो बाद में हमारी सैलरी में से काट लेते हैं। अच्छा यानी ऑनलाइन होता है जी। चलिए 3,000 तक ये बचा लेते हैं, बचा लेंगे जी। हाँ जी। और आप यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल हमारे ख्याल 3-4 महीने आपको बहुत मुश्किल वो करना पड़ेगा। तो वो उसकी सैलरी यहाँ देते हैं कि नहीं? वो जो तीन देते हैं जो लेसन के टाइम की और फेल हो गए तो क्या है? वो फेल नहीं होते हैं, इनका खुद का स्कूल है कारवा का, वो फेल नहीं करेंगे किसको। अच्छा। हाँ जी। तो सैलरी आपको मिलेगी बिल्कुल ही नहीं किसी को मालूम। तो अभी वही उसका तो अभी एक लड़का आने वाला है उसको पेपर मिल गया है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ जो कंपनी है उसने 1500 सैलरी और 300 या 400 खाने का दिया हुआ है ऐसा करके, तो सही है ये? हाँ सही है जी, मुश्किल नहीं है, इंडिया में इतना कौन देगा। हाँ इंडिया में वैसे भी 1500-30,000 तो नॉर्मली आपको बचेगा, बाद में आके कमीशन पे भी कमीशन करना पड़ेगा। कमीशन का क्या है? 60-40, 60% कंपनी रखता है, 40% जितना भी बिजनेस करे। चलिए ठीक, और 40% पेट्रोल भी है। हाँ जी। चलिए भाई से बात हो गई है तो चलते हैं। थैंक यू सो मच पापा जी, पप्पी जी आपका। हाँ एंड अपना ख्याल रखिए और आराम से गाड़ी चलाइए। और ये गाड़ी कई साल तक पुरानी इसमें चला सकते हैं हम? पुरानी नहीं, नई गाड़ी मिलती है इधर, टोटल नहीं। हाँ जी सर। तो आप लोग ने देखा मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी कारवा में कैसे क्या काम होता है, और आप ये भाई पंजाब के थे तो जिसको भी आना है वो। तो दोस्तों मैंने आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कारवा जो यहाँ की टैक्सी है तो उसमें कितनी सैलरी आती है और क्या होती है, ये लाइव इंटरव्यू था, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया अपनी तरफ से, आपने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।